हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। दीपक बाबरिया ने क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, चंडीगढ़ दौरा रहा, लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें या फिर सीधे चुनाव की तैयारी की बात समझने की कोशिश करें, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, नेताओं का मन भी टटोलने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां जो है नजर आई? पार्टी की यूनिटी बनाना है, सब लोगों के जो ओपिनियन में डिफरेंसेस होता है, अप्रोच में डिफरेंसेस होता है, उसको डायलॉग से कम करते हुए एक साथ लाना है, वो एक चुनौती होती है। प्रजा में एक नैरेटिव सेट करके, प्रजा को सच्चाई से माहितगार करके उसको साथ में जोड़ना एक दूसरी चुनौती होती है, और उसके लिए चुनाव के लिए नीचे तक की सिस्टम बनाना वो एक तीसरी चुनौती होती है। वो तीनों चुनौती के पर हम काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, और ऑल दीज थ्री आर इंटरलिंक्ड, तो उसके लिए भी जो है आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहे हैं, और मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि इसके लिए एक कॉन्सेंसस खड़ा हो जाए सब लोगों में, वो मेरा प्रयास है। सर, आपने एक प्रयास किया तमाम नेताओं को एकजुट जो है लाने की कोशिश की, मंच पर तमाम नेता एक दिखे भी, लेकिन ट्रायल में आपको गुटबाजी देखने को मिली। किस तरीके से देखा कि एक भाषण चल रहा था उस दौरान जो है सीएम के नारे लगते हुए नजर आए, ये चुनौतियां हैं सर, इसको किस तरीके से पार पार करते हुए नजर आए? इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, वो जो है छोटे वर्कर जो होते हैं जो करते हैं नारेबाजी कोई करते हैं, तो दे आर वेरी इमोशनल पीपल, उसको कोई सच्चाई से समझा दे। आपको उदाहरण के तौर पे भी कह सकता हूँ कि कई बार जो है ट्रैफिक की डिसिप्लिन जो होती है तो लोग फॉलो नहीं करते हैं, मगर एक बार उसको समझ में आ जाए तो दे स्टार्ट फॉलोइंग इट। इसी प्रकार से ये चीज़ों में भी रहता है, और वो दिन जो डिस्कशन हुआ बड़ा तंदुरुस्त डिस्कशन था, जो ठहराव पारित हुए हैं सभी लीडरों ने एक साथ मिलकर विदाउट एनी काइंड ऑफ द डिफरेंसेस वो पास किए हैं। भंडार के पूरे हाउस ने, सभी लीडर थे, सभी सेक्शंस से थे, सभी पदाधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे पूर्व के, वो सब इम्पोर्टेंट लोग थे, तो ये सभी चीज़ें कोई बड़ा मायना नहीं रखते। कम्युनिकेशन बढ़ेगा और ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि पूरी पार्टी एक बन के जो है ये नकारे लोगों को निकालने के लिए कटिबद्ध है। सर, एक बड़ा सवाल ये कि संगठन निर्माण पिछले जो है लगभग 9 साल से नहीं हो पाया है, बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं रहेगी कि किस तरीके से संगठन निर्माण होता नजर आएगा। एक जिम्मेदारी है, एक बड़ी चीज़ जो है सामने खड़ी हुई नजर आ रही है, चुनाव है, उससे पहले क्या संगठन निर्माण किस तरीके से देखने को मिलेगा? आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में नतीजे सामने दिखेंगे, इतना ही मैं कह सकता हूँ। सर, एक दो सवाल और, आम आदमी पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तो दिल्ली में जो है ऑर्डिनेंस को लेकर कांग्रेस का साथ लेने की बात करती हुई नजर आती है, लेकिन हरियाणा की बात आ जाती है तो कह रहे हैं तमाम सीटों पर जो है लड़ते हुए नजर आएंगे। ये देश में सबसे बड़ा कोई अपॉर्चुनिस्ट एलिमेंट है तो आम आदमी पार्टी है, बाकी के सब लोगों के तो एजेंडा साफ है, मगर इनका जो है अपॉर्चुनिज्म है, मैं समझ रहा हूँ कि दिल्ली की जनता ने तो अच्छी तरह से समझ लिया और हरियाणा की जनता भी समझ जाएगी। सर, एक अंतिम प्रश्न, सरकार को लेकर, गठबंधन को लेकर पिछले दिनों कई सवाल जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे, बतौर कांग्रेस किस तरीके से जो है देख रही है और चुनाव की तैयारियों को लेकर किस तरह की जो है चीज़ें चलती नजर आएंगी? वो अपने बाहर से टूट जाएंगे, और इफ पावर इज देयर सीमेंटिंग फोर्स, तो अंतिम दिन तक चिपके रहेंगे और फिर बाद में नूरा कुश्ती करके छूटे होंगे, जिसकी वजह से फिर से एक बार जो पार्टियों ने नारा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के बाहर छोड़ के आएंगे, उसके साथ सोते हैं, फिर से नजर में आएगा, आपको प्रजा को समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये दीपक बाबरिया जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।